क्योंकि और आपने देखा होगा तो वो भी भाजपा पर कमल नहीं वापरती, उनके ऑफिस में जाएंगे तो कमल या भाजपा आपको नहीं दिखेगा, तो वो टेक्निकली उनको मेरे कारण तकलीफ ना हो इसलिए हम नहीं डालते। नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर। कल शनिवार 22 अप्रैल के दिन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मीरा भाईंदर शहर के कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन होना है और कई सारे विकास कार्यों के उद्घाटन भी होने हैं। ये जो विकास कार्य जिनका कल भूमि पूजन होना है उसका श्रेय लेने के लिए कई सारे नेता अब आगे आने लगे हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो निमंत्रण पत्रिका छापी है उस निमंत्रण पत्रिका में एमएलए गीता जैन का नाम का उल्लेख किया है कि उनके प्रयत्नों से ये सारे कामों की मंजूरी मिली है और अब इन कामों का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने दावा किया है कि जितने भी काम जिनका उद्घाटन कल होने जा रहा है उन कामों को उनके कार्यकाल के दौरान ही मंजूरी मिली थी और वो काम तब से ही प्रोसेस में थे, वो टेंडर प्रोसेस में थे और कई सारे काम ऐसे थे जो मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास में गए थे, अब उनकी मंजूरी मिल चुकी है और तमाम कामों का कल उद्घाटन हो रहा है और ये काम एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के कार्यकाल में ही मंजूर करवा लिए गए थे, इस तरह का दावा आज किया है एक पत्रकार परिषद में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने। आइए हम जानते हैं क्या कहना है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का इन विकास कार्यों के भूमि पूजन को लेकर। मीरा भाईंदर में कल हमारे नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, उनके हाथ में कई सारे जो हमने काम उस समय शुरुआत की थी वो काम कई समय से पूरे होके पड़े और उनका उद्घाटन करने आ रहे, तो हम सबके लिए खुशी की बात है कि जो काम हमने इस शहर के लिए किए थे उसका उद्घाटन हमारे नेता के हाथों हो रहा है तो हम सबके लिए अभिमान की बात है। वो फिर काशीमीरा का एक फ्लाईओवर के नीचे का गार्डन होने दीजिए, फिर हमने एक उर्दू स्कूल बनाई थी जो हमने 2017 में वादे किए थे वो सारे हमने पूरे जो किए, फिर फ्लाईओवर के नीचे सर्विलेंस कैमरा है वो तो एक कंट्रोल रूम है लेकिन हमारा सपना तो पूरा मीरा भाईंदर का था, उस समय कंट्रोल रूम हमने बनाया महापालिका के निधि से, उसके बाजू में पशु चिकित्सालय अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से काम कई सालों से हो रहे, उनकी जगह जब कहीं चेंज करने की तो वो जगह हमने ही दी, मैं खामबीज साहब और संस्था के लोग जाके वो जगह नक्की की और उसके अंदर उसका टेंडर निकाल के रिस प्रोसेस किया गया, तो ये सारे जो हमारे काम थे पूरे हो रहे। साथ ही साथ एक दूसरे कार्यक्रम एक संस्था के कार्यक्रम में आ रहे जो लाइब्रेरी जो है नगर पालिका की जो एक संस्था को चाहे उसके अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये का मेरा निधि लगा हुआ जब मैं MLA था तब का लगा हुआ है और उसका भी कल लोकार्पण होने जा रहा है, तो ये हम सबके लिए अभिमान की बात है कि हमने जितने सपने शहर के लिए देखे थे वो सारे पूरे हुए और उसका उद्घाटन जो है देवेंद्र जी के हाथों होने जा रहा है। लेकिन महानगर पालिका ने जो निमंत्रण पत्रिका छापी है उसमें फरण का जो कवर है उसके अंदर लिखा है कि MLA गीता जैन के प्रयत्नों से इतने कामों की मंजूरी मिली और जिसका लोकार्पण हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये काम मैंने कहा कि मेरे MLA फंड से, तो उसके अंदर तब तो गीता जैन जी विधायक भी नहीं थे, उदाहरण दे रहा हूँ, मेयर भी नहीं थे, तो वो सारे जो काम उस समय हुए आज नहीं हुए। उर्दू स्कूल का उद्घाटन भूमि पूजन मेरे और डिंपल मेहता जी के हाथों हुआ है, लाइब्रेरी का भी भूमि पूजन मेरे और डिंपल मेहता जी के हाथों हुआ है, पशु चिकित्सालय का भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ है, उदाहरण दे रहा हूँ, ये जो कैमरा का था वो ठीक है उस समय करने भूमि पूजन करने जैसी व्यवस्था नहीं थी और वो भी काम हमने हमारे कार्यकाल में आज 1 साल से तो बंद पड़ा है काम करके एग्जाम्पल, तो वो सारे काम बजट में और वो नगर पालिका की निधि से हुआ है, जो फ्लाईओवर के नीचे गार्डन बना, ये सारे जितने काम है ये सब किसी ने किए तो उस समय हमने ही किए, कुछ मेरे निधि से कुछ महानगर पालिका के माध्यम से और ये काम तब के है, उसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। तो महापालिका ने कैसे उनका नाम वो शायद दो काम जो है अभी वो प्रयत्न कर रही है कि एक महावीर भवन और एक जो मीरावड़ का हॉस्पिटल है जो बनाने के जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है उसका उद्घाटन भूमि पूजन होने जा रहा है, तो ये शायद उसके लिए उन्होंने लिखा। आइए अब इसी मुद्दे को लेकर MLA गीता जैन का भी क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। नमस्ते, मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों को यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके सहयोग से चुनाव के दौरान किए गए वचनों को हकीकत में बदलने हेतु प्रयास कर रही हूँ। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी की प्रमुख उपस्थिति में दोपहर 1 बजे भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्य गृह में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में मुख्य रूप से जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं वो है, पहला, मीरा रोड पूर्व में आरक्षण क्रमांक 210-211 में अस्पताल, कीमो सेंटर और रेडिएशन सेंटर के भवन का भूमि पूजन। दूसरा, भाईंदर पश्चिम में
प्लेनेटोरिया कॉम्प्लेक्स के पास महावीर भवन नामक बहुउद्देश्य भवन का भूमि पूजन। भाईंदर पश्चिम में फ्लाईओवर के नीचे पशु एवं पक्षी उपचार केंद्र का लोकार्पण। भाईंदर वेस्ट फ्लाईओवर के नीचे सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो पुलिस को लोकार्पण किया जा रहा है उसका लोकार्पण हमारे फडणवीस जी करने वाले। मीरा रोड में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान उर्दू स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। काशी मीरा फ्लाईओवर के नीचे जो बहुत सुंदर रविदास महाराज उद्यान बना है उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उसी के लिए आप सभी कार्यकर्ता एवं नागरिकों से नम्र निवेदन है कि राज्य के कार्यकुशल नेतृत्व एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। यदि एमएलए गीता जैन जिनका मानना है कि उनकी कोशिशें और प्रयत्नों के चलते इतने विकास कार्यों को मंजूरी मिली है और अब उसका भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर की जनता भली भांति जानती है कि मीरा भाईंदर शहर का चेहरा बदलने के लिए मीरा भाईंदर शहर में कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने के पीछे किसने मेहनत की है, किसने कोशिशें की है। उन मेहनतों और उन कोशिशों को नागरिकों ने भी देखा है अलग अलग डेवलपमेंट के रूप में। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने बाकायदा पत्रकार परिषद लेकर ये साफ कर दिया कि ये उन्हीं के कार्यकाल के दौरान मंजूर किए गए तमाम प्रस्ताव है, तमाम काम है जिन्हें अब मंजूरी मिलके वो काम प्रैक्टिकली शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन और भूमि पूजन डीसीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों होना है। एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने पूरे मीरा भाईंदर शहर में कल होने वाले जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के होर्डिंग्स लगा के रखे हैं ताकि शहरवासियों को पता चले, लेकिन उन होर्डिंग में कहीं पर भी सिटिंग एमएलए गीता जैन की तस्वीर नहीं है। इस संदर्भ में जब हमने उनसे बात की, उनसे सवाल किया, तब उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि कल के भूमि पूजन के कार्यक्रम को लेकर आपके शहर भर में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उस होर्डिंग में जिलाध्यक्ष रविदास की तस्वीर है लेकिन स्थानीय विधायिका की तस्वीर नहीं। नहीं, वो कैसा है कि वो टेक्निकली उनको अड़चन होती है ऐसा उनका कहना है, तो बीजेपी में लो तो कहीं मेरे कारण वो उनको टेक्निकली अड़चन ना आ जाए तो ये कारण है, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कारण है। क्योंकि और आपने देखा होगा तो वो भी भाजपा पर कमल नहीं वापरती, उनके ऑफिस में जाएंगे तो कमल या भाजपा आपको नहीं दिखेगा, तो वो टेक्निकली उनको मेरे कारण तकलीफ ना हो इसलिए हम नहीं डालते। तकनीकी रूप से एमएलए गीता जैन नहीं चाहती कि उनकी फोटो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के किसी भी बैनर या होर्डिंग पर लगे, ऐसा खुलासा किया है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने। भारतीय जनता पार्टी में कितना अंतर्गत विवाद बढ़ता जा रहा है, कितना गहराता जा रहा है, ये उसकी साफ झलक हमें दिखाई दे रही है। आखिर में जाते जाते सवाल का जवाब मैं आप दर्शकों से जानना चाहूंगा कि मीरा भाईंदर शहर में इतने सारे अब तक जो विकास कार्य हुए है, जिन नेताओं ने विकास कार्य किए है और आगामी दिनों में जो भी यहाँ पर विकास कार्य होने हैं या जिनका लोकार्पण होना है या भूमि पूजन होना है, उन सब का श्रेय मीरा भाईंदर शहर के नागरिक किसे देना चाहेंगे, इस बात का जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।